हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, कैसे हैं? ज्ञानिस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, शाम को प्रत्येक दिन हम लोग लेते हैं क्लास टीजीटी की, बायोलॉजी की। और टीजीटी की, बायोलॉजी के जो मेरे बैचेस होते हैं, मैंने अब तक आपको बेटा 3 बार वो सिलेबस कंप्लीट कराया है। तीसरी बार जब मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कर रहा था, उसके एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब था कि मैं किसी भी चैप्टर को 3 बार आपका रिवीजन कराऊंगा। पहला ये है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, मीन PYQ क्वेश्चंस को कुछ बताऊंगा जो उस टॉपिक से आए हुए हैं, उस चैप्टर या उस यूनिट से आए हुए हैं। उसके बाद उस चैप्टर का रैपिड रिवीजन आपको करूंगा। और नंबर तीसरे नंबर था MCQ, यानी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। इस कड़ी में मैंने आपको TGT PGT की बायोलॉजी के टोटल 10 यूनिट जो बांट रखा, मैंने 8 यूनिट अब तक कंप्लीट करा दी है। और अब आपके पास 2 यूनिट हैं जो शेष हैं, नंबर 1 जेनेटिक्स और नंबर 2 एनिमल क्लासिफिकेशन। इन दोनों का ट्रिपल पॉइंट पर वर्क थोड़ा सा बाकी है, जिसके लिए मैं आपको लगातार अब आपको कुछ वीडियोज दे रहा हूं। आज मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूं, जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस का है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, आइए इसके साथी बने, इसके साक्षी बने, और आप भी इसका लाभ उठाइए, जैसे और भी तमाम से बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि TGT और PGT की जो एग्जाम डेट है वो आने बाकी है, लेकिन आपकी तैयारी निरंतर वैसी होनी चाहिए जैसे कि आप पहले इसे तैयार कर रहे थे। तो चलिए, आइए आज कुछ क्वेश्चन जेनेटिक्स के हम लोग सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। चलिए, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या होगा, इसको देखते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन DNA एंड RNA दैट बोथ DNA और RNA में वो अंतर बताना है जो दोनों में पाया जाता है। नंबर 1, आर डबल स्टैंडर्ड, तो क्वेश्चन गलत हो गया। जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड है, जो RNA है वो सिंगल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ये गलत हो गया। हैव सिमिलर शुगर, इसमें जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, इसमें शुगर है वो राइबोज शुगर है। इसका फॉर्मूला C5H10O5 है, इसका फॉर्मूला C5H10O4 है। इसके सेकेंड कार्बन पर एक अक्षर की कमी है। और पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यस, दोनों ही पॉलीमर होते न्यूक्लियोटाइड के। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन सही है। हैव सिमिलर पिरिमिडीन, ना इसमें साइटोसिन होता है थायमिन, इसमें साइटोसिन यूरेसिल होता है। इस प्रकार से DNA में ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रहा डिफरेंस बिटवीन द DNA एंड RNA का। व्हेन टू जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर इन ए क्रोमोसोम्स, जब बेटा एक ही क्रोमोसोम में दो जीन्स क्लोज प्रेजेंट हो, यानी ऐसे प्रेजेंट हो, ये और ये जीन कैपिटल ए है और ये बेटा कैपिटल बी जीन है, तब क्या होगा? आइए, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम। पहला क्वेश्चन, कैन के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा या होगा? तो मैं ये कहूंगा जब क्लोज होंगे तो क्रॉसिंग ओवर चांस कम हो जाएगा, होगा जरूर, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। तो क्वेश्चन आंसर सेकेंड होगा, क्रॉसिंग ओवर तो होगा लेकिन हार्डली कम होगा। इस प्रकार से हम आंसर देंगे सेकेंड, द परसेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज वेरी हाई, ये बिल्कुल गलत है। ओनली डबल क्रॉसिंग ओवर तो सवाल ही नहीं उठता है। इसका मतलब है जैसे जैसे जींस के बीच की दूरी घटती जाती है, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर भी घटता जाता है और लिंकेज बढ़ता चला जाता है। ओके बेटा, जैसे ड्रोसोफिला में बॉडी कलर, बोलो बेटा बॉडी कलर है ना, और आई कलर के बीच केवल 1.3% रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। मींस आप यू कह सकते हो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो 50% होती है वो मात्र 1.3% रह जाती है। इस क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हो जाता है और लिंकेज पड़ जाता है। पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है, अब आप अगर म्यूटेशन को कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है। एक पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, एक बेटा ग्रॉस म्यूटेशन कहते हैं।
Y म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन कहते हैं, ग्रास म्यूटेशन को क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन को माइक्रो म्यूटेशन मानते हैं, ग्रास म्यूटेशन को माइक्रो। और एक जीन में यानी विद इन जीन अगर म्यूटेशन होता है, विद इन जीन म्यूटेशन होता है तो पॉइंट म्यूटेशन होता है। ग्रास म्यूटेशन में एक से ज्यादा जीन अफेक्टेड होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन में एक जीन अफेक्टेड होता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं ये बेस पेयर के, बेटा जल्दी ध्यान सुनिएगा, ये बेस पेयर के सब्स्टिट्यूशन के कारण हो सकता है, डिलीशन के कारण हो सकता है, या एडिशन के कारण होगा। अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो वहां पर जेनेटिक कोड में चेंज आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं चेंज इन बेस ऑफ ए जीन, एक बेस पेयर के चेंज होने से हो जाता है। बहुत अच्छा सा जो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये, माना कि आरएनए में सब्स्टिट्यूशन में बोल रहा हूं, माना कि आरएनए में बेस है UGU। आपको पता है अगर एमआरएनए में बेस सीक्वेंस UGU हो तो क्या कोड करेगा? ये कोड करेगा बेटा 16 अमीनो एसिड। लेकिन अगर UGU में UGC हो जाएगा तब भी ये 16 कोड करेगा। इन अगर UGU में U की जगह UGA हो जाएगा तो बेटा स्टॉप कोडॉन हो जाएगा। अगर UGU में बेटा U की जगह है G हो जाएगा तो ट्रिप्टोफैन कोड करेगा। इन दिस U इज रिप्लेस्ड बाय, अगर mRNA का ये U रिप्लेस हो जाएगा C के द्वारा तो कोई भी कोडान बदलेगा लेकिन अमीनो एसिड नहीं बदलेगी। ऐसे म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। इन अगर यू की जगह ए आ जाए और चेन टूट जाए इसे स्टॉप या नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन अगर कोडान का सेंस बदल जाए, UGU की जगह UGG हो जाए तो ट्रिप्टोफैन कोड करेगा। इसे बेटा हम लोग क्या कहेंगे, मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं। तो ये साइलेंट म्यूटेशन होगा, ये बेटा नॉनसेंस म्यूटेशन होगा, ये मिस सेंस म्यूटेशन होगा। ओके, नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड बाय प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या होते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन? जब बेटा एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइपिक करेक्टर को प्रभावित करते हैं इसे प्लियोट्रॉपिक कहते हैं। जब एक जीन, देखो मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल कहा था वन जीन वन करेक्टर, बाद में पता चला वन जीन मेनी मेनी करेक्टर या मेनी जीन वन करेक्टर। जब मेनी जीन वन करेक्टर है तो इसे कहते हैं पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस बेटा, और जब एक जीन मेनी करेक्टर है तो इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। डेफिनेटली बेटा जब एक से ज्यादा फिनोटाइप दिखाई देंगे तब क्या कहलाएगा, सिंड्रोम कहलाएगा। आंसर विल बी द फर्स्ट, तो प्लियोट्रॉपी जीन क्या कॉज कर सकता है, सिंड्रोम, यानी एक से ज्यादा फिनोटाइपिक करेक्टर्स आ जाते हैं। ओके, डन। ये दोनों पोस्ट मेंडेलियन फीचर्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वाज डिस्कवर्ड बाय, बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन की खोज ग्रिफिथ ने की थी और उस जगह उन्होंने डिप्लोकॉकस निमोनिया के दो स्ट्रेन चुने थे, एक आर स्ट्रेन था एक एस स्ट्रेन था। याद करो बेटा जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया होते हैं, जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया होते हैं वो बेटा रफ हो गए, जो यस हो गए वो बेटा कैसे हो गए, स्मूथ हो गए। ये नॉन कैप्सुलेटेड हैं, ये कैप्सुलेटेड हैं, और बस यहीं पर उन्होंने देखा ट्रांसफॉर्मेशन। जब हीट गिल्ड एस स्ट्रेन को हम आर के साथ कल्चर करते हैं तो आर फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। आर फॉर्म स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कैन चेंज इनटू एस फॉर्म स्ट्रेन, बस इसी को उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कहा था। हालांकि ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए थे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इनके एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया था एवरी मैकॉर्डी मैकलियॉड ने, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया था एवरी मैकॉर्डी मैकलियॉड। एवरी मैकॉर्डी मैकलियॉड से पहले तक साइंटिस्ट मानते थे कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट और उसके बाद एवरी मैकॉर्डी मैकलियॉड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता हो गया कि कंफर्म हो गया दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। फिर भी सारे साइंटिस्ट अभी भी संतुष्ट नहीं थे। तब हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज पर, अप्रूव किया दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब इसके बाद कोई संदेह नहीं रहा, डीएनए बिकम द जेनेटिक मटेरियल। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ सेल व्हिच हैज 10 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। मैंने कहा था एक क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन, एक क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, दूसरे पर उपस्थित जीन दूसरा बनाते हैं, तीसरे पर प्रेजेंट जीन तीसरा बनाते हैं, और 10 क्रोमोसोम होंगे तो 10 लिंकेज ग्रुप होंगे, दैट विल बी द 10। 10 जोड़ी क्रोमोसोम्स होंगे डिप्लॉइड में, तो हैप्लॉइड में 10 क्रोमोसोम होंगे तो 10 लिंकेज ग्रुप होंगे, दिस आंसर विल बी द सेकंड। एसजे मुलर ने अवार्ड प्राप्त किया 1946 में, एक्सरे म्यूटेशन उन्होंने स्टडी किया था, किसमें बेटा ड्रोसोफिला में, ये याद कर लेना है। और द म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग आर्गन क्वेश्चन वॉज प्रपोज्ड बाई ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, इवनिंग प्रिमरोज में बताया था, सडन चेंज होने वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बताया था। म्यूटेशंस आर रेयरली यूजफुल होते हैं, यूजली हार्मफुल होते हैं, म्यूटेशन रेयरली यूजफुल होते हैं, यूजली हार्मफुल होते हैं, रिसेसिव होते हैं, और मेन यानी बेसिक कॉज ऑफ द वेरिएशन होता है या अल्टीमेट कॉज ऑफ वेरिएशन म्यूटेशन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बेटा विच वन इज द सेक्स लिंक्ड डिजीज किसे कहते हैं। बेटा बॉडी में हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम पर उपस्थित जीन सोमेटिक कैरेक्टर को ले जाने का काम करते हैं, सोमेटिक कैरेक्टर को कैरी करते हैं, और बेटा सेक्स क्रोमोसोम उपस्थित जीन बेटा सेक्सुअल कैरेक्टर को ले जाने का काम करता है, और सेक्सुअल कैरेक्टर का मीन्स होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में या फीमेल में। लेकिन यदि यदि बेटा यदि मैं कह रहा हूं यदि मैं कहूं कि सेक्स क्रोमोसोम पर जीन सोमेटिक कैरेक्टर के हो, ऐसे जीन को बेटा सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं, और इस प्रकार की इनहेरिटेंस को बेटा हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस हो गया, या फिर हीमोफीलिया हो गया, ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होते हैं। ह्यूमन मेल में कहा जाए तो हम कह सकते हैं हाइपरट्राइकोसिस, इसमें वाई जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मंगोलॉइड कंडीशन किसकी होती है? मंगोलॉइड होती है बेटा डाउन सिंड्रोम की, डाउन्स सिंड्रोम होते हैं उन्हें मंगोलॉइड कहते हैं। आप जानते हो ये ट्राइसोमी होती है, इसमें 21st पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम बेटा, 21st पेयर ऑफ द क्रोमोसोम एक ज्यादा हो जाता है, फीमेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, 21वां जोड़ी क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, इसे ट्राइसोमी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्न जीन्स, जीन किसे कहते हैं? बार बार कहा जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए का हर वो टुकड़ा जीन कहलाता है जो आरएनए बनाता है, डीएनए का सेगमेंट जो आरएनए बनाता है, सेगमेंट जो आरएनए बनाता है वो जीन कहलाता है, वो चाहे आरआरएनए बनाए, चाहे एमआरएनए बनाए, चाहे टीआरएनए, वो जीन कहलाता है, जीन कहलाता है। तो डीएनए का सेगमेंट जीन कहलाता है जो आरएनए बनाता है, लेकिन जो सेगमेंट बेटा एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए ट्रांसलेशन के बाद बेटा प्रोटीन बनाता है, तो जीन एक्सप्रेस एज ए प्रोटीन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन, ये जीन की फंक्शनल यूनिट होती है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द जीन इज अ सिस्ट्रॉन, इन डीएनए का वो टुकड़ा जो प्रोटीन तक अपने आप को एक्सप्रेस कर दे उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स होते हैं, कंटिन्यूअस जीन होते हैं, जबकि यूकैरियोट में स्प्लिट जीन्स होते हैं, डिसकंटिन्यूअस जीन होते हैं। A color blind man marries the daughter of color blind man. A color blind man marries the daughter of color blind man. ये color blind man है, इसकी पुत्री से शादी की, तो पुत्री में भी ये carrier character था। A color blind man ने ऐसी लड़की से शादी की जिसकी पिता कलर ब्लाइंड थे, देन प्रोजेनी कैसी होगी? वो साफ दिखने लगा है, एक फीमेल होगी बेटा जो कलर ब्लाइंड हो सकती है।
दूसरी फीमेल होगी बेटा जो कैरियर होगी, एक मेल होगा बेटा जो कैरियर होगा, एक मेल होगा जो नॉर्मल होगा। यानी दो सन में 50% सन कलर ब्राइन है, 50% सन नॉर्मल है और 50% डॉक्टर कलर ब्राइन है, 50% डॉक्टर कैरियर है, ये इसका आंसर होगा। ऑफस्प्रिंग में कह दूं तो ये बेटा जब सन और डॉक्टर ऑफस्प्रिंग बोला जाएगा तब ऐसा कहा जाएगा, और अगर ऑफस्प्रिंग के ऑफस्प्रिंग कहा जाएगा तो प्रत्येक को हम लोग 25-25% कंसीडर करेंगे। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। नन ऑफ देयर डॉक्टर इज कलर ब्लाइंड, गलत हो गया, एक डॉक्टर कलर ब्लाइंड है। ऑल द सन्स आर कलर ब्लाइंड, गलत हो गया, एक सन कलर ब्लाइंड है। ऑल द डॉक्टर्स आर कलर ब्लाइंड, गलत हो गया, इसका मतलब 50% सन कलर ब्लाइंड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन को सही ढंग से, सही काम तरीके से सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो सो दैट बेटा ये थोड़े से क्वेश्चन थे जो मैंने आपको जेनेटिक्स के रिवाइज किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़े से क्वेश्चंस और बताएंगे। ध्यान रखिए ज्ञानेश बालाजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने का पूरा प्रयास कीजिए। आपको लगातार बहुत अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के, आपके डिस्कशन में इसी प्रकार से शामिल होते रहेंगे। ओके, थैंक यू।